नमस्कार, विभिन्न दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान की मदद पर भूकंप प्रभावित नेपाल में बवाल। नेपाल में आए भूकंप के बाद मदद को तरस रहे लोग उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्हें पाकिस्तान की ओर से आई राहत सामग्री में गोमांस मसाले के पैकेट मिले। कोई भी इन पैकेट्स को हाथ नहीं लगा रहा है और इनसे वहां बवाल मच गया है। पाक की सरकार से सार्क देशों में भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और यहाँ गोवध पर प्रतिबंध है। नवाज शरीफ ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर नेपाल में राहत अभियान को लेकर उनकी तारीफ की। मोदी ने ट्वीट किया है कि पीएम नवाज शरीफ ने फोन कर नेपाल राहत अभियान में भारत के प्रयासों की सराहना की है। शरीफ ने भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप से हुई मौतों पर भी दुख जताया है। मोदी ने शरीफ को सुझाव दिया कि दक्षिण देशों को आपदा राहत और बचाव पर नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करना चाहिए, इससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान को कम किया जा सकता है। रामदेव बेचते हैं बेटा पैदा करने की दवा, संसद में उठा मुद्दा। राज्यसभा में गुरुवार को कई सदस्यों ने योग गुरु रामदेव की दिव्य फार्मेसी के उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके सेवन से कथित तौर पर पुत्र पैदा होने का दावा किया गया है। शून्यकाल में जदयू के केसी त्यागी ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में एक पैकेट भी दिखाया और कहा कि यह उन्होंने दिव्य फार्मेसी से खरीदा है। उन्होंने भाजपा और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर ऐसे उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। भारत सुरक्षित हाथों में, कहा लॉर्ड स्वराज पाल ने। प्रमुख प्रवासी भारतीय उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पाल ने कहा है कि अपनी हाल की भारत यात्रा से वे फिर आश्वस्त हुए हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कपारो ग्रुप के चेयरमैन ने पिछले सप्ताह अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित विभिन्न नेताओं से मुलाकात की थी। इस्लामिक स्टेट ने ट्यूनीशिया के दो पत्रकारों की हत्या की। लीबिया की सरकार ने लीबिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा पिछले साल अगवा किए गए दो ट्यूनीशियाई पत्रकारों की हत्या किए जाने की पुष्टि की है। ट्यूनिस के अधिकारियों ने बताया कि ट्यूनीशियाई सरकार इस मामले पर तुरंत चर्चा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल लीबिया भेजेगी। सोफियन चौराबी और नादिर कतारी नामक दो पत्रकारों को 8 माह पहले इस्लामिक स्टेट द्वारा अगवा कर लिया गया था। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन दो पत्रकारों की हत्या करने वाले इस समूह के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।